चौदह हुआ फॉर्मल देन प्लस थ्री, थ्री प्लस करना है तो आपको क्या करना है, वन वन करके थ्री जॉइन करना है, वन टू थ्री। सो क्या आया, कौन सा नंबर आया, सेवन। सो राइट डाउन सेवन। देखो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको यहाँ पे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, जीरो टू टेन लिखना है, यहाँ पे फोर प्लस थ्री है सो जीरो से लेके फोर तक आपको जंप करना है, देन यहाँ पे थ्री सो आपको वन वन करके थ्री जंप करनी है, फोर से फाइव, फाइव से सिक्स, सिक्स से सेवन। सो थ्री जंप हुए कहाँ पे आया, सेवन पे, तो आपको यहाँ पे क्या आएगा आंसर, सेवन, फोर प्लस थ्री सेवन। नाउ सेकेंड वन, फाइव प्लस टू, सो अगेन नंबर नाइन, जीरो से फाइव पे जंप, देन टू प्लस टू तो टू जंप करने, वन टू सो फाइव के बाद टू, विच नंबर सेवन, सो फाइव प्लस टू सेवन, क्या आएगा फाइव प्लस टू सेवन। नाउ अगेन थर्ड वन, सिक्स प्लस थ्री, सो आपको क्या करना है, पहले सिक्स सो आपको सिक्स पे जंप करना है, जीरो से सिक्स पे जंप करेंगे, देन थ्री सो वन वन करके थ्री जंप, वन टू थ्री जंप, सेवन एट नाइन, सिक्स प्लस थ्री क्या आंसर, नाइन। सो राइट डाउन नाइन, अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट वन, अगेन जीरो टू टेन नंबर नाइन, सेवन प्लस टू सो जीरो से सेवन, हम सेवन पे जंप करेंगे, देन टू वन टू सो सेवन प्लस टू इस नंबर नाइन, सेवन प्लस टू क्या होता है नाइन, क्या आएगा नाइन। नेक्स्ट वन, फाइव प्लस वन, जीरो से फाइव तक जंप करेंगे, देन वन प्लस तो हमें क्या करना है, वन जंप करना है, वन सो सिक्स, क्या आंसर सिक्स, फाइव प्लस वन सिक्स, समझ में आ रहा है आपको। नाउ अगेन नेक्स्ट वन, अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, थ्री प्लस थ्री सो हमें जीरो से थ्री तक जंप करना है, प्लस थ्री आपको वन वन करके थ्री प्लस करना है, वन टू थ्री क्या है आंसर, सिक्स। राइट डाउन सिक्स, आपको जो पहला नंबर है उसको डायरेक्ट जंप करना है, देन सेकेंड जो नंबर है उसे वन वन करके जंप करके जो आंसर आएगा वो हमें लिखना है। थैंक यू। एट जीरो, अभी आपको क्या करना है, एट जीरो का कॉन्सेप्ट हमने पहले क्या किया था, नंबर लाइन, अब हम करेंगे एट जीरो, सेवन प्लस जीरो। अब देखो ये जो सेवन है और इसके बाद प्लस जीरो, तो जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, जीरो में कुछ भी ऐड नहीं होगा क्योंकि जीरो कुछ भी नहीं है कोई भी, तो सेवन हमें क्या करना है, ऊपर जो नंबर है वो भी हम नीचे लिखेंगे, सेवन प्लस जीरो सेवन, इसमें हम कुछ भी काउंटिंग करेंगे नहीं। नेक्स्ट थ्री प्लस जीरो, जीरो है तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो हम थ्री का थ्री लिखेंगे, थ्री प्लस जीरो थ्री, एट, एट प्लस जीरो ऑल्सो सेम एज इट इज एट, तो एट की कोई वैल्यू नहीं, तो जो ऊपर जो डिजिट है वही हम नीचे लिखेंगे, तो एट का हम नीचे क्या लिखेंगे, एटीन, एट प्लस जीरो एट, नाइन प्लस जीरो सो हियर सेम एज इट इज नाइन, नाइन को हमें यहाँ पे क्या लिखना है नाइन, जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो नाइन का नाइन। सिक्स प्लस जीरो, सिक्स ऊपर क्या है सिक्स, जीरो का हमें कोई ऐड करना नहीं है तो सिक्स का हमें यहाँ पे सिक्स ही आंसर आया।